वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो आप बिना किसी एक्सपीरियंस के कर सकते हो। और आप चाहते हो अगर यूरोप के किसी कंट्री में आना इंटर्नशिप के हवाले से, एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे अगर सेटलमेंट का भी ऑप्शन देखते हो, तो आप इजिली इस इंटर्नशिप के थ्रू ये चीज़ें का एक्सेस आपको मिल सकता है। तो वीडियो में बात करने वाला हूँ यूनिसेफ ने एक अनाउंस किया इंटर्नशिप, और उस इंटर्नशिप के बारे में पूरी डिटेल दूंगा आपको। मैं हर चीज़ क्लियरली बताऊंगा कि आखिर इस इंटर्नशिप की मोटिव क्या है, और ये इंटर्नशिप जो इन्होंने अनाउंस की है इसमें पर्क्स क्या क्या हैं, एंड हर चीज़ आपको क्लियरली मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तवा है, एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ, एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड मैं वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्ट। इंटर्नशिप का मोटिव क्या है? इस इंटर्नशिप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका मोटिव यह है कि इस इंटर्नशिप के थ्रू यूनिसेफ चाहता है कि जितने भी यूथ्स हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको मौका मिले कि वो यूनिसेफ के जितने भी बॉडीज हैं उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे आके वो वर्क करें, सीखें, स्किल्स गेन करें, ताकि उनकी एक ऑप्टिमिस्टिक डेवलपमेंट हो सके इन टर्म ऑफ स्किल बिल्डिंग, इन टर्म ऑफ कैरियर बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद मैं इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन बताता हूँ आपको। बेसिकली जो ये इंटर्नशिप है ये आपको 6 मंथ से लेके 2 साल की है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करेगी, यानी कि इसकी ड्यूरेशन टोटली डिपेंड करेगी कि आप कौन से फील्ड से हो, आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कौन सा इंटर्नशिप लगी है, वो आपको पोर्टल पे ही मालूम चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मंथली स्टाइपेंड आपको कितने का मिलेगा इस इंटर्नशिप के तहत, तो लुक जो मंथली स्टाइपेंड का सीन है ना इस इंटर्नशिप के तहत, वो ये है कि आपको जिस भी सिटी में जाओगे वहाँ के लिविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पेरिस आते हो तो आपको 2000 यूरो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मंथ की मिलेगी। ठीक है, और अगर आप लाटविया की राजधानी रीगा आते हो, जो कि काफ़ी सस्ती यूरोपियन नेशन में से एक है और कैपिटल सिटी में से, तो आपको भी 2000 यूरो मिलेगी। इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड है टोटली डिपेंड होगी आप किस सिटी के ऊपर, आप किस सिटी में आते हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ इंटर्नशिप के एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है कि आपकी क्राइटेरिया, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अब इस इंटर्नशिप में जो एज मेंशन किया गया है, कि जिस एज कैटेगरी में आपको आना है कम से कम, वो है 18 साल। आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप इस इंटर्नशिप को अवेल करना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद इस इंटर्नशिप में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको इधर तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास IELTS एकेडमिक है, आप सबमिट करना इस इंटर्नशिप के टाइम पे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इधर आपको फ्रेंच आना चाहिए B1 B2 लेवल तक, स्पेनिश आना चाहिए B1 B2 लेवल तक। सो ये 3 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है, और जो इंटर्नशिप है बेसिकली यूरोपियन नेशंस में ही होगी, क्योंकि यूनिसेफ की भी ऑफिस यहीं पे है, कि यूरोप में जो उनकी मेन हेडक्वार्टर है। और जो भी अपॉर्चुनिटी ये दे रहे हैं इस इंटर्नशिप के थ्रू, ये बेसिकली यूरोसेंट्रिक है। ओके, उसके बाद कि अगर आप इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए इनरोल करना चाहते हो खुद को, तो आप ग्रेजुएशन और इधर मास्टर्स और इधर PhD के स्टूडेंट्स होने चाहिए। एटलीस्ट आपका इनरोलमेंट होना चाहिए इन तीनों में से किसी कोर्सेज में। ये मैटर नहीं करता कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, द थिंग विच मैटर्स इज दैट यू हैव टू बी इनरोल्ड इन दीज ऑफ 3 कोर्सेज। द फर्स्ट वन इज बैचलर, द सेकेंड वन इज मास्टर्स, एंड द थर्ड वन इज PhD डिग्री। ओके, उसके बाद लाइक सपोज इफ देर इज समवन, स्पेशली अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव यूनिसेफ में काम करता है, और उसके किसी भी यू नो बॉडी में किसी भी उसके लाइक यूनिसेफ के लिए जितनी भी बॉडीज वर्क करती हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिजेक्शन मिल जाएगी। ये उनके लिए है जिनके ब्लड रिलेटिव काम नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद अब क्या है कि आपको कैसे इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन आप किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करोगे, तो ताकि आपको
सक्सेस मिले। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इन्होंने मेंशन की है वो की है दैट यू योर एकेडमिक प्रोफाइल शुड बी मोर देन 80%। आई मीन दैट इफ यू हैव डन योर क्लास 12th देन यू देन योर मार्क्स शुड बी अराउंड 80%। ओके, 80 से कम नहीं हो। एंड इफ यू हैव डन बैचलर डिग्री देन योर मार्क्स शुड बी ऑल्सो नॉट लेस देन 80%। सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स एंड दोज पीपल हुज एकेडमिक प्रोफाइल इज वेरी वेरी वेल। ओके, उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपको लिखना होगा। सो द सेकेंड क्राइटेरिया है, द सेकेंड क्राइटेरिया इज ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर। यू हैव टू राइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर बाई मैंशनिंग एवरीथिंग दैट वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, what is your motive behind this and why you want to join UNICEF, so you have to mention all these things, okay? Uske baad, if you have any professional experience, okay? Suppose ki aapke paas koi professional experience hai, aapne kahin pe bhi work kiya hai India mein kahin pe bhi, so you have to mention all those things also. That will give you like you know extra benefit. Uske baad, agar main baat karu, theek hai? So sorry guys, मैं थोड़ा सा अगर हाफ रहा हूँ, मैं एक्चुअली पीछे देख रहा हूँ, मैं पहाड़ चढ़ के ऊपर आया हूँ और मैं सोचा कुछ आज दूसरे जगह दूसरे लोकेशन पे वीडियो बनाते हैं। दिन से बारिश हो रही थी, मैं सोचा यार वीडियो नहीं बनाऊँगा फिर आप लोगों के लिए कंटेंट नहीं बना पाऊँगा, तो सोचा निकलता हूँ बनाता हूँ, यार बारिश तो होती रहेंगी। सो आते हैं टॉपिक पे, ठीक है? अब डेडलाइन क्या है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप का? सो डेडलाइन जो है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप का वो है आपको लाइक अगर मैं बेसिकली बात करूँ ना तो मार्च एंड मान के चलो, हार्ड टू हार्ड, बट इन्होंने कोई डेडलाइन ऐसा मेंशन नहीं किया है। सो अगर आप जाते हो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप को अप्लाई करने, सो उसकी जो डेडलाइन है वो डिपेंड करेगी टोटली आपके फील्ड ऑफ स्टडी पे एंड द एरिया जो आप चूज करोगे इंटर्नशिप के लिए, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा पोर्टल पे जाके, ठीक है? और इसकी अगर मैं बात करूँ कि आपको लिंक कहाँ मिलेगी, सिंपल सी जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन करके रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से क्लिक करो और इस पर्टिकुलर आप इंटर्नशिप्स के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हो। इधर आप इंडिया से हो, इधर यू आर फ्रॉम इंडिया, इधर यू आर फ्रॉम लाइक यू नो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर यू आर फ्रॉम एनी कंट्री, इट डजंट मैटर। एक्चुअली दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एवरी यू नो पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड द यूरोप। And even though if you are residing inside the Europe, I mean if you are studying at some European countries, you are also eligible to do application for that particular internship. So you can do it. And I have told everything, I think. So यही थी आज की वीडियो में। And वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा।